वेलकम everyone welcome चैनल to my आई होप यू exams आर डूइंग वेल एंड are doing इज़ गोइंग स्मूथ फ्रेंड्स जैसा कि आप सब जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने इस चैनल पर करंट अफेयर्स 2021 की सीरीज स्टार्ट की है और इस सीरीज़ के रिगार्डिंग मैंने चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने दसंबर के करंट अफेयर्स अफेयर्स अपलोड किए हैं तो इसी सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए आज हम नवंबर 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करेंगे और आज के वीडियो में आपको सिक्सटी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिलेंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को एंड तक वाच कर लेना और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना बिकॉज इस चैनल पर आपको कंटिन्यूअसली क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा तो फ्रेंड्स चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन है ऑपरेशन रेड रोज इज़ एन एंटी इलेक्ट लिक्वियर कम्पेन बिग एम्पलीटेड इन विच स्टेट आपको यहाँ से बताना है ऑपरेशन रेड रोज ये किस स्टेट में इम्पलीमेंट हुई है implement हुई है ऑपरेशन रेड रोज ये किसके रिगार्डिंग है एंटी इलेक्ट लिक्वेयर कम्पेन तो ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने किस स्टेट गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट की है ऑपरेशन रेड रोज ये पंजाब गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है क्वेश्चन नंबर टू

ये भी करंट ये रिसेंटली ये ट्रेंड स्टार्ट हुई थी ये आपका जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है उसके रिगार्डिंग ये करंट अफेयर्स बन सकता है एग्जाम में तो आपको यहां से बताना है इंडिया इंडियन रेलवेज ने इंट्रोड्यूस किया है एक स्पेशल ट्रेन जिसका नाम क्या है घाटी शक्ति सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन आपको ये बताना है कि ये किन सिटीज के दरमियान रन करती है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा इट इज रनिंग बिटवीन दहली एंड पटना कौन सी ट्रेन गाती शक्ति सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन ये दहली और पटना के बीच रन करती है क्वेश्चन नंबर फाइव वट इज द नेम ऑफ द वेबसाइट लॉन्चेड बाई इंडियन क्लाइमेट एक्सपर्ट फॉर एसेसिंग इक्विटी इन क्लाइमेट एक्शन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यह भी है क्योंकि जो आपका क्लाइमेट एंड क्लाइमेट और वेदर और क्लाइमेट का जो टॉपिक है आपके सिलेबस में उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है तो आपको यहां से बताना है उस वेबसाइट का नाम जो किसने लॉन्च किया है बाई इंडियन क्लाइमेट एक्सपर्ट किस लिए फॉर एसेसिंग इक्विटी इन क्लाइमेट एक्शन तो उस वेबसाइट का नाम क्या है क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर क्वेश्चन नंबर सिक्स च ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेड ए रिपोर्ट टाइटलड सस्टेनेबल अर्बन कूलिंग हैंडबुक आपको यहां से बताना है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज रिपोर्ट की है उसका टाइटल क्या है सस्टेनेबल अर्बन कूलिंग हैंडबुक तो यह किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज की है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यू एन ई पी ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवन बंदी चोर दिवस डे ऑफ लिबरेशन इज एसोसिएटेड विद विच रिलीजन आपको यहां से बताना है डे ऑफ लिबरेशन ये किस रिलीजन के साथ एसोसिएटेड है ठीक है तो डे ऑफ किस रिलीजन के साथ एसोसिएटेड है यह सिखिज्म के साथ एसोसिएटेड है क्वेश्चन नंबर इंडियन बैंक लॉन्च फर्स्ट वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस फॉर पेंशनर्स आपको यहां से बताना है कि इंडिया के किस बैंक ने लॉन्च की है फर्स्ट वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस फॉर पेंशनर्स तो यह किस बैंक ने लॉन्च की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना जो स्टेट एस बी आई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका प्रेजेंट चेयरमैन कौन, कौन है आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताना क्वेश्चन नंबर नाइन विच टेनिस प्लेयर वन हिज सिक्स पैरिस मास्टर टाइटल इन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन सपोर्ट्स के रिगार्डिंग जो करंट अफेयर्स है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है आपको यहां से बताना है कि, कि किस टेनिस प्लेयर ने सिक्स पैरिस मास्टर टाइटल टू थाउजेंड ट्वेंटी वन जीता तो इसका आंसर क्या आएगा नोवाक जोकोविच क्वेश्चन नंबर टेन विच स्टेट यूटी गवर्नमेंट लॉन्चड श्रमिक मित्रा स्कीम फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आपको यहां से बताना है कि किस कि स्टेट या यूटी ने आ, क्या लॉन्च की है श्रमिक मित्रा स्कीम किन के लिए फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स तो ये किस यूटी ने लॉन्च की है ये श्रमिक मित्रा स्कीम ये दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च की है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो एक बार जरूर इस वीडियो को लाइक कर लेना और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना बिकॉज Uh, कुछ दिन बाद मैं आपको इस चैनल पर एक मॉक टेस्ट प्रोवाइड करूंगा जो एस आई एसपेरेंट्स और एफ एसपेरेंट्स हैं उनके लिए वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस मॉक टेस्ट में आपको 120 ट्वेंटी क्वेश्चन में प्रोवाइड करूंगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको फिर उस वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल सके क्वेश्चन नंबर अलेवन नवंबर फिफ्टीन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज जनजातिया गोरस दिवस टू टू द बर्थ ऑफ दर्थ लीडर नवंबर फिफ्टीन जो है ये क्या डिक्लेयर किया गया है जनजातीय गौरव दिवस आपको ये बताना है ये किस लीडर की बर्थ एनिवर्सिटी को याद करने के लिए किया गया है तो इसका आंसर क्या आएगा बिरसा मुंडा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ई अमृत ए पोर्टल विच वॉज लॉन्च रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच फोल्ड विच फील्ड आपको यहां से बताना है ई अमृत एक पोर्टल रिसेंटली लॉन्च हुआ है आपको बताना है कि ये किस फील्ड के रिलेटेड है तो इसका आंसर क्या आएगा ई अमृत पोर्टल ये किस फील्ड के रिलेटेड है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रिलेटेड है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो है उसके रिगार्डिंग ये करंट अफेयर आपके एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन नंबर थर्टीन विच स्टेट विच इंडियन स्टेट यूटी इज सेट टू लॉन्च द एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन आपको यहां से बताना है कि इंडिया का कौन सा स्टेट या यूटी लॉन्च कर रही है एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन तो एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन ये कौन सी यूटी लॉन्च कर रही है ये दिल्ली जो यूटी है वो लॉन्च कर रही है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन विच स्टेट हैज अप्रूव केसरी हिंद एज द स्टेट बटरफ्लाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी एंड बायोडावर्सिटी उस पर ये क्वेश्चन बन सकता है तो केसरी हिंद आपको बताना है कि ये किस स्टेट ने अप्रूव की है एज द स्टेट बटरफ्लाई तो इस क्वेश्चन केसरी हिंद ये किस स्टेट ने अप्रूव की है एज स्टेट बटरफ्लाई अरुणाचल प्रदेश ने क्वेश्चन नंबर 15। नेशनल प्रेस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू कम्युन द एस्टेबलिशमेंट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन आपको यहां से बताना है नेशनल प्रेस डे एवरी डे ये सेलिब्रेट होता, होता है एवरी ईयर ये सेलिब्रेट होता है किसके रिगार्डिंग ठीक है किस ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग तो इसका आंसर क्या आएगा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और नेशनल प्रेस डे ये कब मनाया जाता है सिक्सटीन नवम्बर को क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन विच इंडियन institution has partnered विद गूगल फॉर सोशल इम्पैक्ट लैंडिंग प्रोग्राम टारगेटेड for माइक्रो इंटरप्राइज आपको यहाँ से बताना है कि किस इंडियन इंस्टीट्यूट ने किसके साथ पार्टनर पार्टनरशिप की है गूगल के साथ किसके रिगार्डिंग फॉर सोशल इम्पैक्ट लैंडिंग प्रोग्राम टारगेट फॉर माइक्रो इंटरप्राइज तो ये किस इंडियन इंस्टीट्यूट ने इसके साथ पार्टनर किया है एस आई डी बी आई तो इसका इसकी फुल फॉर्म क्या है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसने किसके साथ पार्टनरशिप की है गूगल के साथ फॉर सोशल इंपैक्ट लैंडिंग प्रोग्राम टारगेटेड फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस क्वेश्चन नंबर सेवनटीन विच प्लेस इन इंडिया वॉज द ईस्ट एशियन बर्ड स्पीशीज कोरियन फ्लाई कैचर स्पॉटेड रिसेंटली आपको यहां से बताना है कि इंडिया के किस प्लेस में ईस्ट इंडियन बर्ड स्पीशीज कोरियन फ्लाई कैचर रिसेंटली वो स्पॉट हुआ था तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा चेन्नई ठीक है और ये कोरियन फ्लाईकेचर एज पर आई यू सी एन इट इज लीस्ट कंसर्न ठीक है इट इज क्लासिफाइड एज लीन क्वेश्चन नंबर विच इंडियन टाउन हैज वन हैज बीन अवार्डेड एज द बेस्ट वर्ल्ड टूरिज्म विलेज बाय यू एन डब्ल्यू टी ओ आपको यहां से बताना है कि इंडिया के किस टाउन को अवार्ड दिया गया है बेस्ट वर्ल्ड टूरिज्म विलेज किसने दिया है इसको यू एन डब्ल्यू टी ओ तो इसका आंसर क्या आएगा पोचामपली

होनावार वायर दे फर्स्ट सेंचुरी फॉर मेराइन एनिमल्स इज टू बी इनागरेटेड इज लोकेट इन विच स्टेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आप किसके रिगार्डिंग है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग देखो होनावार यहाँ पर क्या हो रहा है फर्स्ट सेंचुरी फॉर सेंचुरी फॉर मेरीन एनिमल्स ये यहाँ पे इनाग्रेट होनी है तो आपको बताना है ये होनावार ये किस इंडियन स्टेट में लोकेटेड है तो ये किस इंडियन स्टेट में लोकेटेड है कर्नाटका में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन वट इज द थीम ऑफ the टॉयलेट डे टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी वन वर्ल्ड टॉयलेट डे ये कब मनाया जाता है ये नवंबर नाइनटीन को हर साल मनाया जाता है आपको बताना है इस साल इसकी थीम क्या थी तो इस साल इसकी थीम क्या थी वेलविंग टॉयलेट्स ट्वेंटी टू विच रेसिंग ड्राइवर वन द Qatar कतर ग्रैंड in इन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन आपको यहां से बताना है कि कौन से रेसिंग ड्राइवर ने क्या जीता था एनोग्रल कतर ग्रैंड प्रिक्स इन 2021 तो इसका आंसर क्या आएगा लिविस हैमिल्टन. 23. The national conclave on and minerals 2021 हेल्ड इन विच स्टेट यूटी आपको यहां से बताना है नेशनल कंक्लेव ऑन माइनस एंड मिनरल टू थाउजेंड ट्वेंटी इंडिया के किस स्टेट या यूटी में इस साल हेल्ड हुआ था तो ये किस यूटी में हेल्ड हुआ था न्यू दिल्ली में क्वेश्चन नंबर एज पर द नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे देयर आर हाउ मेनी वुमेन फॉर दियर इन द कंट्री इन टू जो आपका डेमोग्राफी एंड सेंसस से है उस पर यह क्वेश्चन बन सकता है ठीक है डेमोग्राफी और सेंसस सेंस तो टॉपिक है उस पर यह करंट अफेयर बन सकता है तो यहाँ से आपको बताना है एज पर नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे आपको बताना है हाउ मेनी वुमेन वुमेन वायर फॉर थाउजेंड मैन इन कंट्री फ्राम टू थाउजेंड टू फ्राम टू थाउजेंड नाइनटीन टू टू थाउजेंड ट्वेंटी थी वन थाउजेंड ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव एवरी ईयर ऑन 26th नवंबर नेशनल मिलक डे इज सेलिटेड टू ऑनर विच पर्सनैलिटी तो नेशनल मिलक डे ये कब मनाया जाता है 26th सिक्स नवंबर को आपको यहाँ से बताना है जो नेशनल मिलक डे है ये किस पर्सनैलिटी को ऑनर करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है तो so, इसका आंसर क्या आएगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन हीज डे इज नोन एज फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन इन इंडिया टलीयरफोर्स टू मिराज टू थाउजेंड जेट्स आपको यहां से बताना है इंडियन एयरफोर्स ने रिसेंटली दो मिराज टू थाउजेंड जेट किस कंट्री से लिए थे तो इसका आंसर क्या आएगा फ्रांस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन यूनियन मिनिस्टर जितिंदर सिंह हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट मैनड ओशन मिशन समुद्रियान इन विच सिटी आपको यहां से बताना है यूनियन मिनिस्टर जितिंदर सिंह ने लॉन्च किया है फर्स्ट मैनड ओशन मिशन समुद्रयान उसका नाम है यह किस सिटी में इसने लॉन्च किया था तो यह किस सिटी में इसने लॉन्च किया था चेन्नई सिटी में ट्वेंटी एट रैम की इनवीरोड इन दी वर्ल्ड फर्स्ट एंड इंडिया प्लांट इन विच सिटी आपको यहां से बताना है कि रैम की इन इंजीनियर इनागरेट किया है वर्ल्ड फर्स्ट और इंडिया का लार्जेस्ट लैंडफील्ड गैस किसके लिए टू कंप्रेस बायोगैस प्लांट इन विच सिटी तो इसका आंसर क्या आएगा हैदराबाद सिटी में यह लॉन्च इन्होंने किया था क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन बीच कंपनी है वर्ल्ड इज मोस्ट वैल्यूबल पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी बाई मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको यहां से बताना है कि किस कंपनी ने किसको पीछे छोड़ा है एप्पल कंपनी को टू बिकेम दर्ल्ड इज मोस्ट वैलेबलिक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी तो इसका आंसर क्या आएगा माइक्रोसॉफ्ट और माइक्रोसॉफ्ट का ओनर कौन है बिल पेट क्वेश्चन नंबर थर्टी Which state CM has launched the Uttam उत्तम Portal, which will benefit the farmers by providing quality seeds with transparency? आपको यहां से बताना है कि किस स्टेट ने किस स्टेट के सीएम ने लॉन्च की है एक स्कीम उसका नाम है उत्तम बीज पोर्टल वो क्या करेगा वो बेनिफिट करेगा फार्मर्स को बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी सीड्स विद ट्रांसपेरेंसी तो इसका आंसर क्या आएगा हरियाणा का जो सीएम है उसने ये लॉन्च किया था कौन सी स्कीम उत्तम बीज पोर्टल आप कमेंट सेक्शन में बताना हरियाणा का प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर कौन है हरियाणा चीफ मिनिस्टर सेकंड नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल वॉज ऑब्जर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेकंड नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल यह इंडिया के किस स्टेट में रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया था तो इसका आंसर क्या आएगा महाराष्ट्र स्टेट थर्टी टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ने किस बैंक को अपॉइंट किया है एज एन एजेंसी बैंक टू कंडक्ट गवर्नमेंट बिजनेस तो इसका आंसर क्या आएगा बंधन बैंक थर्टी थ्री हुज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आपको यहां से बताना है रिसेंटली किसको अपॉइंट किया गया है एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तो किसको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अरुण चावला को क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर विच वर्ड बीन चूजन एज द वर्ड ऑफ द ईयर बाई द ऑक्सफर्ड इंग्लिश डिक्शनरी इन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन आपको यहां से बताना है कि कौन सा वर्ड चूज किया गया है एज द वर्ड ऑफ द ईयर बाई ऑक्सफर्ड इंग्लिश डिक्शनरी

किन में नेशनल सपोर्ट्स अवार्ड 2021 जो हुए थे उसमें उसने अर्जुना अवार्ड जीता था तो इसका आंसर क्या आएगा जसप्रीत ब्रुमरा इंडिया का क्या है फास्ट बोलर एंड ही इज वर्ल्ड दर्ल्ड बेस्ट बोलर थर्टी सिक्स नेम द इंडियन क्रिकेटर वन द अर्जुना अवार्ड इन द रिसेंटली अनाउंसड नेशनल सपोर्ट्स अवार्ड टू तो ये इसी के रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन है एक तो जसप्रीत बुमराह ने ये अवार्ड जीता था और किसने जीता था शेखर धवन जो इंडिया का क्या है ओपनिंग बैट्समैन है देखो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड्स 2021 ये किन-किन को मिले थे देखो इंपॉर्टेंट है ये भी आप इसको अच्छे से देख लेना नीरज चोपड़ा इसको किसमें मिला था एथलेटिक्स में रवि कुमार इसको किसमें मिला था रेसलिंग में लवलीना बर्गेम इसको किस में मिला था बॉक्सिंग में पी आर सर्जेश इसको हॉकी में मिला था अविनी लेखरा इसको पैरा शूटिंग में मिला था सुमित इनित पैरा इसको एथलेटिक्स में मिला था प्रमोद भगत इसको पैरा बैडमिंटन में कृष्णा नगर इसको पैरा बैडमिंटन में मनीष नरवाल इसको पैरा शूटिंग में मिथाली राज इंडियन वुमेन क्रिकेटर है इसको क्रिकेट में मिला था और किसको मिला था ये सुनील छत्री ये इंडिया का फुटबॉलर है इसको फुटबॉल में मिला था और मनप्रीत सिंह इसको किस में मिला था हॉकी में मिला था थर्टी एट पावर मिनिस्टर आर के सिंह हैज द डाइवर्जन ऑफ मरसूदर रि पकुलडुलड्रो अलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन विच स्टेट आपको यहां से बताना है आर के सिंह ने इनागरेट किया था डाइवर्जन ऑफ मरसूदर रिवर ऑफ पकुलडुल हाइड्रो अलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस यूटी या स्टेट में इसने ये इनागरेट किया था तो यह पकुलडुल हाइड्रो अलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये कहां पर है ये जम्मू एंड कश्मीर में है थर्टी नाइन विच इंडियन इंस्टीट्यूट was एट द टॉप among द इंडियन universities इन द QS World वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग टू आपको यहाँ से बताना है कि कौन सा इंस्टीट्यूट था एमंग द टॉप इंडियन यूनिवर्सिटीज़ इन द क्यू एस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकस टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो इसका आंसर क्या आएगा आई आई टी बम्बई और पहले नंबर पर इसमें कौन था नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ये रैंक फर्स्ट पर था नंबर ऑफ़ द द फॉलोइंग हैज़ वन फॉर प्रॉमिस आपको यहां से बताना है कि किस पर्सन ने टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में बुक ऑफ प्राइज जीता था एक नावल के लिए उसका नाम था प्रॉमिस तो इसका आंसर क्या आएगा डेमोन गलगत और ये कहां का था ये साउथ अफ्रीका का था फ्रेंड्स अगर आपको इन करंट अफेयर्स की पी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपनी टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड करूंगा आप वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और वहां से आपको इन जो ये मंथली करंट अफेयर्स सीरीज है इनकी पी डी एफ में आपको फिर लास्ट पर प्रोवाइड करूंगा फिलहाल मैंने दो मंथस कवर किए हैं मैं सारे मंथस जनवरी टू दिसंबर कवर होगा उसके बाद कंपाइलेट पी डी एफ इन वीडियोज की मैं आपको प्रोवाइड करूंगा अपनी टेलीग्राम चैनल पर जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनोग्रेटेड रिकन्स्ट्रक्टर श्री आदि शंकर आचार्य समाधि एंड अनविलेड द स्टेचू ऑफ श्री आदि शंकराचार्य इन विच स्टेट आपको यहां से बताना है प्राइम मिनिस्टर ने इनाग्रेट किया था रिकंस्ट्रक्शन ऑफ श्री आदि शंकर आचार्य समाधि और इसका एक एकचूट श्री आदि शंकराचार्य ये किस स्टेट में आपको बताना है श्री आदि शंकर आचार्य समाधि ये किस स्टेट में पाया जाता है ये कहां पर पाया जाता है ये उत्तराखंड में पाया जाता था 2022 2013 था। के जो फ्लड्स थे उसमें ये डैमेज हुए थे अब इसकी रिकन्स्ट्रक्शन नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट की है फोर्टी टू विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्चड ए कॉमोरेटिव कॉइन सेटिंग द लाइफ एंड लिगेसी ऑफ महात्मा गांधी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है आपको यहां से बताना है कि, कि किस कंट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया है एक कॉमोरेटिव कॉइन किसके रिगार्डिंग सेलिब्रेटिंग द लाइफ एंड लिगेसी महात्मा गांधी तो यह किस कंट्री ने स्टार्ट की थी यूके यूनाइटेड किंगडम क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री हुज बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ इंडियन इंडियन मैनज क्रिकेट टीम रिसेंटली जो वर्ल्ड कप था टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप था के बाद इंडिया का जो इंडियन मेन्स टीम जो है क्रिकेट टीम है उसका हेड कोच चेंज हुआ था तो रिसेंटली किसको इंडियन मैनस क्रिकेट टीम का हेड कोच बनाया गया है राहुल इससे पहले कौन थे रवि शास्त्री 44 नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे इंडिया में किस दिन मनाया जाता है तो नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे इंडिया में कब मनाया जाता है सेवन्थ नवंबर को 45 फाइव Which state became first Indian state to approve the tissue culture based seed potato rules 2021 to develop as a standard potato seed center? आपको यहां से बताना है कि इंडिया का कौन सा स्टेट फर्स्ट स्टेट बना जिसने अप्रूव किया है टिश्यू कल्चर बेस्ड सीड पोटैटो रूल्स 2021 तो ये किस state ने स्टेट ने अप्रूव किया है पंजाब स्टेट ने क्वेश्चन नंबर 46 Which state's bamboo and can development institute has developed country's first ever bamboo made cricket bat stumps? आपको यहां से बताना है कि किस स्टेट के बांबू और कैन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है फर्स्ट एवर बांबू मेड क्रिकेट बैट और क्रिकेट जो स्टंप्स होते हैं वो इसने डेवलप किए हैं तो किस स्टेट त्रिपुरा स्टेट के क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एवियेज डिक्लेयर विच एयरपोर्ट एज ए मेजर एयरपोर्ट अंडर एयरपोर्ट्स इकनॉमिक रेगुलेट्री अथॉरिटी एक्ट टू थाउजेंड टू थाउजंड एट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग आपको यहां से बताना है जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एवियशन इसने डेयर किया है किस एयरपोर्ट को एज मेजर एयरपोर्ट अंडर एयरपोर्ट्स इकनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट टू थाउजेंड एट तो ये कौन सा एयरपोर्ट है यह श्रीनगर एयरपोर्ट है फोर्टी एट हुआ सिविल सर्विसेज एंड अदर कंपिटेटिव एग्जाम्स तो आपको यहां से बताना है ऑथर ऑफ द बुक जिस बुक का नाम क्या है मॉडर्न इंडिया फॉर सिविल सर्विसेज एंड कंपिटेटिव एग्जाम्स तो इसका ऑथर कौन है पूनम दलाल दाहिया फोर्टी नाइन विच सिटी हैज़ बीन selected टू ज्वाइन 2021 UNESCO Creative Cities यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क फॉर द कल्चरल आपको यहाँ से बताना है कि कौन सी सिटी ने ज्वाइन किया है 2021 UNESCO Creative Cities यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क फॉर द कल्चरल तो ये कौन सी सिटी है ये भी श्रीनगर सिटी है फिफ्टी क्रिएशन ऑफ ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल्थ डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी. आपको यहां से बताया कि, कि किस स्टेट के कैबिनेट ने अप्रूव किया है क्रिएशन ऑफ ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल्स एज इट ट्वेल्थ डिस्ट्रिक्ट तो इसका आंसर क्या है मेघालिया स्टेट के कैबिनेट ने अप्रूव किया है ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल्स एज ट्वेल्थ डिस्ट्रिक्ट फिफ्टी वन वट वॉज इन द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी का रैंक बताना है किसमें ग्लोबल तो का रैंक इसमें क्या था इंडिया का रैंक था टेंथ रैंक क्वेश्चन नंबर डेब्यूट इन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू कॉमनवेल्थ गेम्स कॉमनवेल्थ गेम्स जो टू थाउजेंड ट्वेंटी टू है इसमें पहली बार वोमेन्स क्रिकेट पार्ट लेगी वायर विल टू थाउजेंड ट्वेंटी टू कॉमनवेल्थ गेम्स भी हेल्ड आपको यहाँ से बताना है टू थाउजेंड ट्वेंटी टू जो कॉमनवेल्थ गेम्स है ये कहाँ पर आ, हेल्ड होंगे तो ये कहाँ पर हेल्ड होंगे बर्मिंगहम इंग्लैंड में फिफ्टी थ्री ऑन विच डे वर्ल्ड डायबिटीज डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर आपको यहां से बताना है वर्ल्ड डायबिटीज डे ये कब मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है फोर्टीन नवंबर को और इस साल इसका थीम क्या था एस एस टू डायबिटीज केयर इफ नॉट नाउ वेन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्चड आज़ादी का अमृत महोत्सव मोबाइल ऐप आज़ादी का अमृत महोत्सव ये आ, आ, इस वक्त क्या काफी पॉपुलर ऐप है तो आपको यहाँ से बताना है आज़ादी का अमृत महोत्सव ये ऐप किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है तो ये ऐप किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर फिफ्टी फाइव विच क्रिकेट टीम हैज़ वन ईयर मेडियन आई सी सी मैनज टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप टाइटल इन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन रिसेंटली वर्ल्ड कप टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप कंक्लूड हुआ था आपको यहाँ से बताना ये टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप इस साल किसने पहली बार जीता तो ये इस साल किसने पहली बार जीता है ऑस्ट्रेलिया ने किसके खिलाफ जीता है न्यूजीलैंड ने इंडिया ने इंडिया ने टू थाउजेंड सेवन में जीता है उसके बाद पाकिस्तान ने भी जीता है वेस्ट इंडीज़ ने तीन दो बार जीता है इंग्लैंड ने भी जीता है और श्रीलंका ने भी एक बार जीता है और रिसेंटली जो हेल्ड हुआ था वो किसने जीता है ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार ये आई सी सी मैनस टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी वन जीता था फिफ्टी सिक्स इंडिया फर्स्ट ग्रास कंजरवेटरी आर जर्म पलाजम कंजरवेशन सेंटर हैज बीन इनाग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडिया की फर्स्ट ग्रास कंजरवेटरी या इसको जर्म पलाजम कंजरवेशन सेंटर भी कहते हैं यह किस स्टेट में इनाग्रेट हुई थी तो यह किस स्टेट में इनाग्रेट हुई थी उत्तराखंड स्टेट में फिफ्टी सेवन विच स्टेट्स हबीबगंज रेलवे स्टेशन हैज़ बीन रिनेमड एज रानी कमलापति रेलवे स्टेशन आपको यहां से बताता है हबीबगंज रेलवे स्टेशन ये रिसेंटली रिनेम हुआ है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन ये किस स्टेट में पाया जाता है तो ये किस स्टेट में पाया जाता है मध्य तो प्रदेश में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट ऑन विच डे नेशनल प्रेस डे इज एवर ऑब्जर्वड एवरी ईयर आपको यहां से बताना है नेशनल प्रेस डे ये कब मनाया जाता है तो नेशनल प्रेस डे इंडिया में कब मनाया जाता है सिक्सटीन नवंबर को फिफ्टी नाइन पियूष गोयल हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट डिजिटल फूड म्यूजियम इन विच सिटी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये भी है इंडियाज फर्स्ट डिजिटल फूड म्यूजियम हैज़ बीन लॉन्चड इन विच इंडियन स्टेट तो ये किस सिटी में लॉन्च किया गया था <coughs> थानजुअर और ये कहाँ पर है ये तमिलनाडु में है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी और ये नवंबर टू ट्वेंटी वन के करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन होगा पौचम्पली विलेज ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन सेलेक्टेड एज वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेज बाय द यूनाइटेड नेशनज वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ये इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हमने ऊपर भी किया था तो पौचम्पली विलेज ये सेलेक्ट किया गया है एज द बेस्ट टूरिज्म विलेज बाय यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन और ये और ये गाँव किस स्टेट में पाया जाता है ये तेलंगाना स्टेट में पाया जाता है तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो रिगार्डिंग करंट अफेयर्स ऑफ टू नवंबर 2021 वन 2021 चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है आप वहाँ आप चैनल की प्ले लिस्ट में करंट अफेयर्स नाम की प्ले लिस्ट देखना वहाँ से आपको ये करंट अफेयर्स मिल जाएंगे तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए खुदा हाफिज़